आज हम आपको बनाना सिखाने वाले हैं आलू और दाम। इसके लिए हमें क्या क्या ज़रूरत पड़ेगा वो भी हम आपके लिए को बताएंगे। इसमें हमें मसाले जो हम यूज़ करेंगे, एक चम्मच ज़ीरा और लाल सूखी मिर्च 5, उनको अच्छी तरह से चॉप कर लिया है, और आधा प्याज उसको हाफ मून शेप में काट लिया है। इसके अलावा कुछ लौंग और कुछ काली मिर्च, और हम कुछ काली मिर्च और तेज़पत्ता लेंगे। इसके अलावा हमने 5 लहसुन की कलियां ली हैं, उनको चॉप कर लिया है, और थोड़ा जिंजर लेंगे, अदरक उसको भी हमने बिल्कुल चॉप कर लिया है, और लास्ट में बिल्कुल तैयार होने के बाद हम उसे गार्निश करेंगे पुदीना की पत्तियों से, मिंट लीव और धनिया की पत्तियों से, जैसे कि हमने ये भी चॉप कर लिया। इसके अलावा स्वाद अनुसार थोड़ा नमक लेंगे और आधा चम्मच हल्दी लेंगे। इसके अलावा जो हमने आलू हैं, 5 आलू लिए हैं 200 ग्राम, जिसको हमने ट्रायंगल शेप में काट लिया है। आप अपने अपने अकॉर्डिंग उसको किसी भी शेप में काट सकते हैं। और 1 कप पानी लिया है, और इसके अलावा हमने दाल ली है 50 ग्राम दाल, मूंग की धुली हुई दाल, और इसको हमने धो लिया है अच्छी तरीके से, इसको 5-10 मिनट के लिए भिगो भी दिया है, ठीक है। इसके बाद हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम इसको बनाने के लिए एक पैन लेंगे, उसमें ऑयल 2 बड़ा टेबलस्पून डालेंगे और उसको गर्म करेंगे, ठीक है। देखते रहिए, मैं आपको इसके आगे बताती हूँ। तेल हमारा ऑलमोस्ट हीट हो गया, उसमें सबसे पहले हम जीरा डालेंगे। देखिए जीरा डाला हमने, उसके बाद हम उसमें लहसुन जो हमने चॉप किया था वो भी डाल देंगे। लहसुन को हमें लाइट ब्राउन करना है। लीजिए लहसुन लाइट ब्राउन हो गया, उसके बाद हम जो हमने प्याज का पेस्ट डाल दिया, प्याज को भी लाइट ब्राउन होने देंगे। देन हम उसके अंदर जो अब डालने वाले हैं वो हम उसमें जो हमने लाल मिर्च लिया है वो डालेंगे, और जो हमने जिंजर चॉप किया है, और मोटा कुछ इस तरह से हमने जो इसमें रेड मिर्च डाली है, और मसाला इस तरीके से थोड़ा लाइट ब्राउन होगा। उसके बाद हम इसमें जो हमने दाल भिगो के रखी है मूंग की दाल, वो उसमें हम ऐड कर देंगे, और उसको थोड़ा देर के लिए हम उसको फ्राई कर लेंगे। लीजिए दाल भी हमने ऑलमोस्ट इसमें ऐड कर दी है, इस तरीके से हम इसे चलाते रहेंगे। जो मसाले हमने इसे यूज़ किए हैं, लाल मिर्च और अदरक, सबकी मिक्स होकर बहुत अच्छा फ्लेवर आ रहा है, और स्मेल भी बहुत अच्छी आ रही है। आप अगर खुद बनाएंगे तो आपको खुद भी बनाना अच्छा लगेगा, और आपका बनाते ही खाने का मन करेगा। इसकी दाल भी हमारी ऑलमोस्ट फ्राई हो गई है, तो ज़्यादा फ्राई नहीं करिए, अदरवाइज ये आलू के साथ क्रिस्पी हो जाएगी। हम इसको हल्का सा ही फ्राई करेंगे, ठीक है। इसमें फिर हम थोड़ा सा हल्दी ऐड करेंगे, सबसे पहले हम इसमें आलू जो हमने काटे हैं वो ऐड कर देंगे। आलू भी हमने ऐड कर दिए, और इसको अच्छे तरीके से मिक्स कर देंगे। देन इसमें जो नमक है वो इसमें डालेंगे अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग, और इसमें हल्दी, टर्मरिक भी हम इसमें उतना ही डालेंगे, तो अगर इसका कलर येलो हो जाए, फिर थोड़ा सा फ्लेवर इसका चेंज करने के लिए, और इसका कलर थोड़ा सा येलो हो जाए तो दिखने में अच्छा लगे। हल्दी और अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक इसमें डालेंगे। हमने नमक भी ऐड कर दिया है, बस इसको अच्छे तरीके से मिक्स करेंगे। लीजिए कुछ इस तरीके से ये आपका कलर चेंज होता हुआ नज़र आएगा। देखिए मैंने इसको अच्छे तरीके से हिला दिया, मिक्स कर दिया, इतना सा मिक्स करना था। देन लास्ट में हम इसमें जो हमने पानी यूज़ करना है, इसको जस्ट थोड़ा सा लाइट करने के लिए 1 कप पानी इसमें ऐड कर देंगे। अच्छे तरीके से स्टीम करेंगे,
और जो जब ये पक जाएगा अच्छी तरीके से तो इसका कलर आपको तब शो होगा। घर में बनाइए और इसको पूरी के साथ सर्व कीजिए। आप नाश्ते में भी बना सकते हैं, इंस्टेंट सब्जी है और अच्छी तरीके से बन सकती है और बहुत जल्दी भी बन सकती है और खाने में भी बहुत लजीज आपको लगेगी। ठीक है, ऐसा करने के लिए हम इसको जब तक ये आलू और ये दाल अच्छी तरीके से मिक्स ना हो जाए और गल ना जाए तब तक के हम इसको ऐसे ही गैस पे ढककर पकाएंगे। ओके, और लीजिए हमारी आलू और दाल की सूखी सब्जी एकदम तैयार हो गई है। आलू हमारे बिल्कुल गल गए हैं कुछ इस तरीके से। अब बस लास्ट में हम इनके ऊपर इस तरीके से और ये बिल्कुल पककर तैयार हो गई है। गार्निश कर दिया हमने और आप इसको हम सर्व करेंगे। सर्व करने के बाद आप इसको अच्छी तरीके से सर्व कीजिए और ये आपकी पकने के बाद बिल्कुल इस तरीके से लगेगी। आप इसे खाइए, ब्रेड के साथ खाइए, नाश्ते में खाइए, पूरी के साथ खाइए, रोटी के साथ खाइए। इंस्टेंट आलू दाल तैयार है। तो आपको अगर ये मेरी रेसिपी अच्छी लगती है तो आप इसे लाइक कीजिए और सब्सक्राइब भी कर सकते हैं, सो दैट आपको जो मैं नेक्स्ट रेसिपी बनाने जा रही हूँ वो भी आपको इसका नोटिफिकेशन आ जाए। एंड आप चाहें तो अगर कुछ पूछना चाहते हैं तो कमेंट भी कर सकते हैं। थैंक यू एंड कीप वॉचिंग।